राजस्थान की चुनी हुई जनमत वाली कांग्रेस की सरकार को गिराने का षड्यंत्र अब औंधे मुंह गिर गया है। पिछले 24 घंटे में एक बात और साबित हो गई, भारतीय जनता पार्टी जो विधायकों की खरीद फरोख्त से षड्यंत्रकारी तरीके से राजस्थान की चुनी हुई कांग्रेस की सरकार को गिराकर राजस्थान की 8 करोड़ बहादुर जनता की असमत को चुनौती दे रही थी, वो अपनी इस साजिश में फेल साबित हुई है। और कम से कम प्रथम दृष्टि से ये साफ है कि उन्होंने राजस्थान के जनमत के समक्ष हथियार डाल दिए हैं। इस परिपेक्ष में एक विशेष वक्तव्य के साथ मैं आज आपके बीच में उपस्थित हूं। हमारे युवा साथी सचिन पायलट जी और कांग्रेस के कई विधायकों को कई बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी ने आग्रह किया और कहा कि अगर आपका कोई वैचारिक मतभेद है मुख्यमंत्री जी से या किसी और व्यक्ति से, तो आप घर के अंदर बैठकर पार्टी की फोरम पर अपनी बात रख सकते हैं। हमारे साथी सचिन पायलट जी और हमारे साथी विधायकों को बार बार ये आग्रह किया गया कि आप वापस आइए और अपनी बात पार्टी की फोरम पर रखकर अपना मत रखिए, कोई समस्या है तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व पूरे उदार हृदय से और खुले मन से आपकी बात सुनने और उसका हल निकालने के लिए तैयार है। हमारे युवा साथी सचिन पायलट जी और कई कांग्रेस विधायक जो आज मौजूद नहीं हैं, उनको हमने एक से अधिक बार कांग्रेस विधायक दल की बैठक में आने का निमंत्रण दिया और ये कहा कि अगर आपको ये लगता है कि कांग्रेस विधायक दल का बहुमत आपके पास है तो आइए और विधायक दल में अपना बहुमत साबित कीजिए और जो अपना अधिकार है वो ले लीजिए। कांग्रेस विधायक दल की एक नहीं दो दो बैठक हमने बुलाई श्री सचिन पायलट जी को और हमारे युवा साथियों को और दूसरे विधायक साथियों को निमंत्रण दिया कि आप आइए और विधायक दल की बैठक में अपनी बात रखिए। मुझे खेद से कहना पड़ता है कि कांग्रेस नेतृत्व ने श्री सचिन पायलट जी को, जो एक होनहार युवा हमारे साथी हैं, उनको बहुत युवा उम्र के अंदर ही अनेकों पदों पर प्रोत्साहित करके आगे बढ़ाया, सांसद से लेकर केंद्रीय मंत्री से लेकर चुनाव हार जाने के बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष से लेकर और उसके बाद प्रदेश के उप मुख्यमंत्री तक लगभग 14-15 साल के ही अंतराल में श्रीमती सोनिया गांधी और श्री राहुल गांधी जी द्वारा हमारे इस युवा साथी को प्रोत्साहित करके कांग्रेस ने आगे बढ़ाया। ना कांग्रेस में और ना शायद भाजपा में ऐसा शायद ही कोई राजनीतिक व्यक्ति है जिसे उसके राजनीतिक दल ने इस प्रकार का प्रोत्साहन देकर आगे बढ़ाया हो। इन दिनों में भी, पिछले 5 दिनों में भी, श्रीमती सोनिया गांधी जी और श्री राहुल गांधी जी ने और कांग्रेस नेतृत्व ने सारे दरवाजे खोलकर उदार हृदय से कहा कि घर का व्यक्ति अगर घर से भूलकर बाहर चला जाए तो वो परिवार का सदस्य रहता है, आप वापिस आ जाइए। कांग्रेस के शीर्षतम नेतृत्व ने आधा दर्जन बार, कांग्रेस कार्य समिति के दो दो वरिष्ठ सदस्यों ने एक दर्जन बार और श्री केसी वेणुगोपाल संगठन महासचिव AICC ने एक से अधिक बार उन्हें यह भी कहा कि ना केवल वापिस आकर अपना पक्ष और अपनी बात रखिए, परंतु अगर आपकी कांग्रेस पार्टी में निष्ठा है, अगर आपको कांग्रेस से प्यार है,
अगर आपका कांग्रेस में समर्थन है तो जिस 5 तारा होटल में आप वहां हैं वहां बाहर जाइए और मीडिया को कहिए कि आपकी कांग्रेस में संपूर्ण निष्ठा है। दुर्भाग्य से इनमें से कुछ नहीं हो पाया और 4-5 दिन इंतजार करने के बाद एक भारी दिल से कल कार्यवाही की घोषणा हमें करनी पड़ी। आज फिर मीडिया के साथियों के माध्यम से हमने हमारे युवा साथी श्री सचिन पायलट का बयान देखा है, जिसमें उन्होंने मीडिया के साथियों के माध्यम से कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाना चाहते या नहीं जाएंगे। हम लगभग 10 साल इधर 10 साल उधर हम सब हमउम्र साथी हैं। हम हमारे युवा साथी सचिन पायलट जी और विधायक कांग्रेस विधायक साथियों को कहेंगे, अगर आप भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाना चाहते तो फिर भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार की मेजबानी फौरन अस्वीकार कीजिए। अगर आप भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाना चाहते तो मनोहर लाल खट्टर की भारतीय जनता पार्टी के सुरक्षा चक्र को तोड़कर जिनको आईटीसी ग्रैंड और लेमन ट्री होटल गुड़गांवा के अंदर लगा रखा है, उनके चंगुल से बाहर आइए। अगर आपका भाजपा में नहीं जाना चाहते तो फिर ये 2 होटल जो भारतीय जनता पार्टी के डिफेक्टर एमएलएस का पिछले समय में भी अड्डा बन गए हैं और जहां कांग्रेस पार्टी के विधायक साथी इस समय हैं, उन सबको भाजपा की पुलिस, हरियाणा की भाजपा की पुलिस के चंगुल से मुक्त करवाइए। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता से वार्तालाप और चर्चा बंद कर दीजिए और परिवार के सदस्य की तरह अपने घर वापस जयपुर लौट आइए। रास्ते से भटके हुए हर कांग्रेस विधायक को मेरी ये राय है कि परिवार के सदस्य को कभी वापस परिवार में आने से गुरेज नहीं करना चाहिए। मीडिया के माध्यम से वार्तालाप बंद कीजिए, अपने परिवार में वापस आइए, परिवार में बैठिए और परिवार में अपनी बात रखिए। यही पार्टी के प्रति, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति सच्ची निष्ठा, आपके विश्वास और आपकी प्रतिबद्धता का सबसे बड़ा सबूत होगा। धन्यवाद। नमस्कार।